हेलो फ्रेंड्स, हमने देखा अपने जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देख लिया कि जो सीमेंट होता है वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट होता है और कहाँ से वो प्राप्त होता है, उसका सोर्स इंग्रेडिएंट का जो सोर्स होता है वो कहाँ से आता है। उसके बाद हमने देखा कि दो टॉपिक और देख रहा था, एक देखा था हीट ऑफ एडिशन, दूसरा देखा था रेट ऑफ एडिशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो सीमेंट होती है वो उसका टाइप पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कितने टाइप के होते हैं? लगभग फ्रेंड्स हमारा 16 से 17 टाइप के सीमेंट होते हैं। हम हर एक टाइप का सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एक सिंगल सिंगल वीडियो में पढ़ेंगे हर एक टाइप के बारे में, क्योंकि तो उसके थोड़ा हमें डीप नॉलेज लेना है हर एक सीमेंट के बारे में। तो हम सबसे पहले आज पढ़ते हैं आर्टिलरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसको हमने जानते हैं जोसेफ एस्पडेन ने 1824 ईस्वी में दिया था। फ्रेंड्स इसको जोसेफ एस्पडीन 1824 ईस्वी में दिया था इंग्लैंड के पोर्टलैंड शहर में, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा था। ठीक है, जिसमें हमारा लाइमस्टोन होता है, आर्गिलेसियस होता है और कैल्केरियस होता है। बाद में हम जब इसको बनाने के बाद क्लिंकर तैयार करते हैं तो उसमें हम बाद में जिप्सम मिला देते हैं, जिससे हमारा फ्रेंड सीमेंट तैयार हो जाता है। आदि के पाउडर के मिश्रण में ग्राउंड को ग्राउंड कर मतलब इसको ग्राइंडिंग करके बनाई जाती है। ये मार्केट में 3 तरह से उपलब्ध होते हैं। हमारा जो मार्केट है फ्रेंड्स, मतलब वहाँ पे हमें 3 नाम से मिलता है। पहले OPC 33, OPC 43 फ्रेंड्स, एंड OPC 53 फ्रेंड्स। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है, इन सब सीमेंट का। अब हमें हमारा जो कम इंग्रेडिएंट है OPC का फ्रेंड, वो सेम है जो हमने सीमेंट के बारे में पहले पढ़ा, क्योंकि हमारा सबसे पहले जो फ्रेंड्स सीमेंट आया था आर्डेंटरी पोर्टलैंड सीमेंट ही था। उसमें हमने काफी चेंजेस की हैं। काफी चेंजेस इसलिए करना पड़ा फ्रेंड कि हर एक जगह का इन्वायरमेंट कंडीशन सही नहीं है। मान लीजिए कहीं ठंडा प्रदेश है हमारे यहाँ, कहीं बहुत हार्ड कंडीशन है, जैसे हमने साउथ में चले जाते हैं केरल में, तमिलनाडु में, तो यहाँ फ्रेंड्स हमेशा टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ पर किसी और तरह का सीमेंट यूज करेंगे। हम अपने नॉर्थ में चले जाए, यदि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में, वहाँ फ्रेंड्स इतना ज्यादा ठंड प्रदेश है, तो वहाँ पर हम अलग तरह का सीमेंट यूज करते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था फ्रेंड, उसी सीमेंट में हमें काफी चेंजेस करना पड़ा। अलग अलग चेंज करके हम अलग अलग तरह के सीमेंट बनाए, लेकिन जो हमारी बेसिक ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हर एक तरह के जो हम सीमेंट मैन्युफैक्चर बाद में भी पढ़ेंगे, यानी हर तरह के जो सीमेंट हम बनाएंगे उसमें OPC जरूर रहेगा, इसकी मात्रा ये सब रहेगी, लेकिन हम इसमें कुछ अलग अलग चेंजे करके हम सीमेंट बनाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में तो पढ़ते हैं। इसके हमने देखा कि इसके फ्रंट 3 ग्रेड है, OPC 33 था, OPC 43 था और OPC 53 था। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है वो 33 ग्रेड का, 43 ग्रेड का है और 53 ग्रेड का है। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा 33 ग्रेड का है सीमेंट है वो कहाँ पे यूज होती है? हम उसको फ्रेंड्स हम 20 ग्रेड के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए मैं कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है, ये हमारे फ्रेंड्स बिल्डिंग है, हमें एक बिल्डिंग बनानी है फ्रेंड्स, सामान्य स्ट्रक्चर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, एक दिस इज माय बिल्डिंग, तो यहाँ पर हम एक साधारण एम 20 ग्रेड का सीमेंट यूज करेंगे। और 43 ग्रेड का सीमेंट हम कहाँ यूज करते हैं? अब ये जो मिनिमम 33 है, स्ट्रेंथ है फ्रेंड 28 डे पर है, इसके में हम एक क्यूब टेस्ट करते हैं। अभी बाद में हम टेस्टिंग के बारे में जब पढ़ेंगे कंक्रीट के टेस्टिंग के, तो उसमें हम क्यूब टेस्ट करते हैं, तो 28 दिन में हमारी जो स्ट्रेंथ मिलती है यानी 43 ग्रेड के लिए वो 43 होगी, 43 ग्रेड के लिए 43 होगी और 53 ग्रेड के लिए 53 होगी। ठीक है, हम जो 33 था फ्रेंड, हमने देख लिया कि हमारा यहाँ M20 का मिक्सचर होगा, यानी कंक्रीट का जो मिक्सचर होगा वो M20 का होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स,
हम 20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे। अब 43 ग्रेड का हम कहाँ पे यूज करें, नॉर्मल आरसीसी वर्क में। जैसे हमें नॉर्मल आरसीसी वर्क मान लीजिए हमें आरसीसी का रोड बनाना है या हमारे फ्लोरिंग करनी है आरसीसी का, ठीक है, या तो एक बिल्डिंग के ऊपर हमारा स्लैब पर ढलिया करनी है, तो हम ये सब नॉर्मल आरसीसी वर्क है, तो वहां पर हम नियम 43 ग्रेड का यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा 53 यानी 53 ग्रेड का जो सीमेंट होता है फ्रेंड, ये हमारी ज्यादातर यूज होता है हाई राइज बिल्डिंग में, चिमनी में, हाई राइज बिल्डिंग यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्रेंड्स, जो आजकल के शहरों में लगभग बिल्डिंग की जो वो होती है स्टोरी होती है लगभग 10 से 15 20 25 और ऊंची ऊंची यानी हाई राइज बिल्डिंग के लिए हम 53 ग्रेड का यूज करेंगे, ठीक। आप 50 ग्रेड यूज क्यों कर रहे हैं फ्रेंड, ये मान लीजिए हम 30 के लिए है, अभी हम 30 के ऊपर हम क्या करेंगे 53 ग्रेड का यूज करेंगे। अब जब हमने हम 30 ग्रेड का यूज किया फ्रेंड, तो इसमें सीमेंट की मात्रा क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, क्यों, मान लीजिए हम 5 है फ्रेंड, तो इसमें सीमेंट 1 होता है, 5 होता है 10, यानी एक मात्रा सीमेंट का है 5 एग्रीगेट 10 फोर्स एग्रीगेट। अभी हम 10 यूज करते हैं तो 1 3 6, ये हम 50 यूज करेंगे तो 1 2 5, ऐसे ही ग्रेड होता है लगभग फ्रेंड्स सभी में जो हम यूज करते हैं। यानी इसमें हमारे सीमेंट की जो मात्रा है फ्रेंड वो लगभग हम देख रहे हैं कि 10 से 50% तक रिड्यूस हो गई है, 10 से 15%। और स्टील की मात्रा भी रिड्यूस हो जाएगी यदि हम एम 43 का ग्रेड का सीमेंट यूज करते हैं तो फ्रेंड्स। और इसमें ये हमारे जो होते हैं हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और उसके बाद ये हमारी 33 ग्रेड का सीमेंट है फ्रेंड्स, ये हमारा 43 ग्रेड का है, अब ये हमारा 53 ग्रेड का है। ये सब अलग अलग ग्रेड के क्या होते हैं फ्रेंड, सीमेंट हमारे होते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यानी इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात है कि कैन बी रिड्यूस द सीमेंट 10 to 40%, यानी जो इसमें हम सीमेंट मान लीजिए यूज कर रहे हैं 50 kg, तो हम जो 53 का हमारा जो होगा इसका हम यदि 10% ही लें तो यानी 5 कम कर दे फ्रेंड, यानी 5 कम कर दे 50 में, तो 45 kg ही यूज करेंगे। देखिए कितना हमें प्रॉफिट होता है जब आप 53 ग्रेड का सीमेंट यूज करेंगे तो। और रिड्यूस द स्टील की मात्रा भी रिड्यूस कर देती है 5 to 8% फ्रेंड्स, 5 से 8% तक ये स्टील का परसेंटेज यानी स्टील की मात्रा भी रिड्यूस कर देगी। मान लीजिए कि हमें 80 टन यानी 100 टन में सीमेंट स्टील यूज करनी है, लेकिन हम 5% इसका लें तो अप्रोक्स कितना आएगा, 5 आएगा 5 टन, यानी 5 टन घटा दें 95 टन ही यूज करेंगे फ्रेंड जब हम इस तरह का सीमेंट का यूज करेंगे यानी 53 ग्रेड का। अब इसको हमारा जो 53 ग्रेड का सीमेंट है वो अलग अलग, यहाँ पर 33 ग्रेड का सीमेंट, ओके, हमने पढ़ा 33, 43 और 53, तो हम सबसे पहले 33 के बारे में पढ़ेंगे फिर 43 फिर 53। तो 33 फ्रेंड्स इसकी जो फाइनेंस होती है यानी जो हम टेस्टिंग करते हैं फाइनेंस के लिए कि कितना छोटा छोटा पार्टिकल है सीमेंट का, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 2225 होती है यानी 225 होती है, इसमें होती है मीटर स्क्वायर पर केजी, यानी एक केजी में इसकी सरफेस एरिया 225 आनी चाहिए। इसकी जो साउंडनेस होनी चाहिए वो फ्रेंड 10 होनी चाहिए वाया लाइट चेटिले मेथड्स, और वाया ऑटोक्लेव मेथड 0.8 होनी चाहिए। इसकी सेटिंग टाइम फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, 43 ग्रेड का जो सेटिंग टाइम होता है वो लगभग तीनों सीमेंट के लिए 43 हो या 53 हो या 33 हो फ्रेंड, ये तीनों टाइप के सीमेंट के लिए हमारा जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो सेम होता है।
इन्हें इनिशियल सेटिंग टाइम था 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 आवर्स यानी 600 मिनट्स। अभी हमारा फ्रेंड बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 डे का स्टंट, 7 डे का स्टंट, 20 डे का स्टंट। ये काफी बार पूछा है कि 3 डे में हमारा 33 ग्रेड के लिए कितना स्टंट होता है और हमारा 70 डे मतलब 7 डे में 33 ग्रेड के लिए कितना होगा। तो हम यहाँ 16 होता है, 32 होता है और 33 होता है, ये हम याद करेंगे। 16, 32, 12, 22 और 33, 16, 22 और 33 हम याद करेंगे। 3 डे 7 डे फ्रेंड एंड 28 डे, 3 डे 7 डे 28 डे, ये हमारी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अब ये मैक्सिमम वैल्यू 48 हो सकती है। अगला हमारा है फ्रेंड 43 ग्रेड का सीमेंट। जो 43 ग्रेड का सीमेंट है आईएस कोड 8112 में है, ठीक है। इसकी फाइनेंस क्या होगी, जो पहले 33 ग्रेड के लिए जो फाइनेंस वैल्यू थे इसके लिए वही सेम होगी। फ्रेंड इसमें आप देखेंगे तीनों टाइप के सीमेंट में बस अंतर आएगा तो वो भी आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। फ्रेंड्स इनकी जो अंतर आती है वो आती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी हम जो 3 डे में 7 डे और 28 डे में सम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ उसमें ही हमारी क्या आएगी वेरिएशन आएगी। बाकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम या तो साउंडनेस यानी लीच एटियर मेथड से या ऑटोक्लेव मेथड से, किसी भी मेथड से हम जो निकालेंगे वो हमारी सेम आएगी। अब इसमें जो 3 डे में होती है उसमें 16 था लेकिन इसमें 23 हो गया फ्रेंड्स। जो 7 डे के लिए होता है फ्रेंड ये 33 हो गया उसमें जबकि 22 था। तो हम इससे ऐसे ही फ्रेंड्स एक नोट्स बना लेंगे और कंपेयर करा लेंगे, ठीक है। आप लोग नोट्स बना के कंपेयर करा लेंगे, यानी हम 3 डे 7 डे 28 डे में देखेंगे 23 डे 33 डे 37.5 बार 43 ग्रेड के लिए और उसके बाद हमारा ये 43 यानी एक्चुअल इसमें जो ऑप्शन मान लीजिएगा फ्रेंड तो ज़्यादातर 28 दिन में पूछता है, तो 28 दिन में हमारा जो जो ग्रेड है वही मिलता है। तो ये ऑप्शन ये तो पूछेगा नहीं, पूछता है तो 3 डे या 7 डे में पूछता है फ्रेंड। 3 डे में हमारा 23 है, 7 डे में 33 यानी 33 है। अगला है हमारा फ्रेंड 53 ग्रेड यानी 53 ग्रेड 53। इसमें कोड में 12269, ठीक है फ्रेंड। इसकी भी फाइनेंस सेम होगी, इसकी भी साउंडनेस सेम होता है, इसकी भी सेटिंग टाइम सेम होगी, बस अंतर आता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। इसकी 27 दिन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अरे मतलब 3 डे में फ्रेंड, जो 3 डे में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, 7 डे में और 28 डे में होगा। 3 डे में 27 होता है, 7 डे में 33 होता है और 28 डे में 43 तो होगा ही फ्रेंड्स। तो है कि लगभग 28 दिन में अपना जितने ग्रेड का सीमेंट होता है उतना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। इसके बाद ये हमारा काफी बार पूछा कि जो ओपीसी सीमेंट होता है आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको कई ग्रेड में बांटा गया फ्रेंड, यानी ग्रेड ए बी सी डी ई एफ यानी 6 ग्रेड में बांटा गया है। यहाँ पर फ्रेंड वाटर सीमेंट रेशियो है, यहाँ पर क्या है इसकी स्ट्रेंथ है। और देखिए ग्रेड ए हमारा यहाँ पे है, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड ई, ग्रेड एफ, इसमें यानी 6 भागों में हमारा 7 भागों में 6 भागों में फ्रेंड बटा हुआ है। ये हमारी काफी बार पूछा था प्रीवियस ईयर 2018 में SSC JEE के पेपर में पूछा था। हम जो इसका हमें स्ट्रेंथ देख लेते हैं 32 से 32.5 से 37.5 यानी 5 का डिफरेंस फ्रेंड आता है। अरे में इसमें भी 5 का डिफरेंस आएगा, इब्रिम प्लेस डिफरेंस 5, सभी जगह 5 का डिफरेंस आता है। और यहाँ पर फ्रेंड एक्चुअल ये है लेकिन हम रिमेम्बर करने के लिए ये टेबल रिमेम्बर कर सकते हैं, ये भी वैल्यू आती है सेम, जो पेपर में आया था वो इसी यही वैल्यू आया था, देख लेते हैं। यानी ये टेबल है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो में, जैसे जैसे फ्रेंड देखिए वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घटती जाती है। क्यों,
वो हम जब अभी पढ़ेंगे वाटर सीमेंट रेशियो, उसमें हम जानेंगे कि वाटर सीमेंट रेशियो हमारा क्या होती है। पढ़ने पर फ्रेंड्स वर्किबिलिटी तो बढ़ती है, यानी जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा यदि वो बढ़ा तो वर्किबिलिटी तो बढ़ जाएगी। अब वर्किबिलिटी क्या है फ्रेंड, वर्किबिलिटी वो होता है जहाँ पर हमें कंक्रीट हमने साइट से ला रहे हैं, अपने जिस जगह पर ले जाना है वहां पर उसको बिछा के अच्छे से कंपैक्शन कर सकते हैं, यानी वो वर्केबल कहलाता है, या उस पर काम किया जा सकता है कंक्रीट पर, तो कंक्रीट की वर्कबिलिटी होती है। ठीक है, तो जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, वाटर सीमेंट रेशियो यदि बढ़ा फ्रेंड्स तो वर्कबिलिटी तो इंक्रीज होगी, बट स्ट्रेंथ जो होता है फ्रेंड वो रिड्यूस हो जाएगी। और ये हमें देखने को मिल रहा है कि जितने ग्राफ में जैसे जैसे वर्क अरे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा फ्रेंड्स, वैसे वैसे हमने देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है।